मैं ऐसा इंडिया में ये जंग मैं खुद लड़ूंगा। क्या 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 बोला? मैं ऐसा इंडिया में ये जंग मैं खुद लड़ूंगा। अबे सालो 70 साल से लड़ तो रहे हो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये भारत से लड़ने की बात कर रहा, पिछले 70 साल से लड़ नहीं रहे तो और क्या कर रहे हो तुम भाई? तुम कौन सा हमारे साथ में शांति के कबूतर उड़ा रहे हो हमारे साथ में बैठ के? सही बात है। और तुम अकेले लड़ लोगे? अकेले लड़ना है तो भाई साहब पहले हमसे तो लड़के दिखा लो, हमसे, हम इन भारतीय नागरिकों से, हम अदने से नागरिक है, भारत तो तुम्हारी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेख रशीद के बारे में। चिलगोजे ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा जोशीला था भाषण दिया है, तो उस भाषण की हम करते हैं थोड़ी सी मरम्मत। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना। और मैं इंडिया के मंत्रियों को कहना चाहता हूँ, मुझे एक सीट का मंत्री कहने वालों, तुम हो ही भाई साहब एक सीट के मंत्री। तुम्हारी पार्टी ने सीटें कितनी जीती है? एक, उसी में तुम मंत्री हो। गलत थोड़े ना बोल रहे हैं भारत के लोग। तारीख में तुमने दो गलतियां की हैं, एक एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को मौका दे दिया जवाब देने का। अभी भारत की ये दो गलती बताई इन्होंने, एटमी धमाका करना, दूसरा पाकिस्तान को मौका देना। अबे गधो, सबसे बड़ी गलती तो भारत ने, हमारे चिच्चा नेहरू ने जो गलती की पाकिस्तान बना के की, वही सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद तो गलतियां बहुत छोटी वाली गलतियां। मजा आया। और रही बात परमाणु बम की, तो भैया वो तुम्हारे लिए ही बनाया है, ये ध्यान रखना इस बात का। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हम अमेरिका पे, रूस पे, चाइना पे, इन पे नहीं गिरने वाले, वो तुम पे गिरेगा। वो जिस दिन गिरेगा ना, वो तुम पे गिरेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। क्या भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकेगा? तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? कल इंडियंस ने भी बड़ी बातें की हैं। किडनैपिंग का क्या मतलब होता है? मैं MA LLB हूँ, मुझे जो इंडियन चैनल बता रहे हैं किडनैपिंग का मतलब मुझे पता है कि अगवा का मतलब क्या होता है। बाकी क्राइम दुनिया में सब जगह होते हैं, क्या बॉम्बे में नहीं होते? क्या क्राइम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे? क्या क्राइम कर्नाटका में नहीं हो रहे? क्या क्राइम जो है, और उन्होंने कोविड को जिस तरह इंडिया ने छुपाया है। अरे जनाब, क्राइम की बात करते करते कहाँ कोविड पे चले गए? कोविड में कौन सा क्राइम आ गया? कोविड में क्या तुम्हारे पाकिस्तान में कोविड में लोग नहीं मरे क्या? हद हो गई यार, क्राइम पे रहो, क्राइम पे। के 4 लाख बताए हैं, ये लाखों की तादाद में गंगा और जमुना में इनकी लाशें बही हैं। ये अल्लाह ने पाकिस्तान पे करम किया है और इमरान खान की हिकमत अमली। अल्लाह ने करम किया है तभी तो कश्मीर 370 हटा दी। अबे साले, इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से। सबका सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो, इंडिया ने सुबह शाम शोर मचाया हुआ है, एक रेल मंत्री, एक सीट का लीडर, मैं वन मैन आर्मी हूँ। इंडिया सुन ले, मैं ऐसा इंडिया में ये जंग मैं खुद लड़ूंगा। भैया हमने देखी है आपकी वन मैन आर्मी, हरीम शाह के साथ जो आपके वीडियो लीक हुए थे ना, आप भी देखोगे। क्या बोला तूने? आप भी देखोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? ड्रामा क्यों किया? क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त। अच्छा इस वक्त मैं जनाजे पे हूँ, मेरी भतीजी मर गई है जी, और मैं सुबह बात करूंगा। ओके 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 ओके। तो वो सारे वीडियो हमने देखे हैं आपकी वन मैन आर्मी, तो ये थोड़ा दबा के बैठो अपने को। नाइस। ये तकरीरों, तस्वीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने काफी जिंदगी गुजार ली है, काफी जिंदगी गुजार ली है। मैं 4 दफा वजीर इत्तलात भी रहा हूँ, काफी मैंने वक्त देख लिया है। मैं समझता हूँ कि मोदी की अकल जवाब दे गई है, वो ये समझे बैठा है कि शायद पाकिस्तान माशी मसाइल में घिरा हुआ है, शायद पाकिस्तान की इकॉनमी कमजोर है। ये हम नहीं बोल रहे भाई, ये दुनिया बोल रही है, तुम खुद अपने मुंह से बोल रहे हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी दुनिया से भीख के कर्जे पे, कटोरे पे चल रही है। तुम जहाँ भी जाते हो, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे तुमने अपना कटोरा आगे ना सरकाया हो? यहाँ तक कि जो तुमसे छोटे देश है तुमने उनको भी नहीं छोड़ा है, और फिर अपने आप को कहते हो कि नहीं हम तो भैया 30 मार खाए, तुर्रम खाए, तो ऐसे ना चलेगा भैया, ना बिल्कुल ना।
पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो सकती है लेकिन पाकिस्तान का दिफा कमजोर नहीं है और पाकिस्तान की पाक फौज। वाओ, पाक फौज की दिलेरी तो पूरी दुनिया के अंदर इतिहास के अंदर दर्ज है भाई साहब, जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और पाकिस्तान के 13 करोड़ नौजवान जान हथेली पर रख कर मोदी के हमले का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। और जब ये हमला होगा उसके बाद कोई सीज फायर नहीं मानी जाएगी, फिर जंग होगी आखिरी गोली और खून के। चार बार तो तुम जंग के अंदर मुंह की खा चुके हो और फिर कह रहे हो कि एक जंग लड़नी है, आखिरी गोली तक लड़नी है। लड़ लो भैया, आ जाओ, तैयार बैठे हम तो। क्यों भाई, तैयार हो ना सारे पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए? सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन सिर्फ इतना नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है हमें बदनाम करने के लिए, इसके खिलाफ तैयारी रखें, अपने मुल्क का दिफा करें, इमरान खान का दिफा करें, पाक अफवाज का दिफा करें। अब असल में लड़ाई इस मीडिया में है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, असल गन जो है वो मीडिया है। सो हमारे पास बड़े बासलाहियत लोग हैं और वो पाकिस्तान की खातर अपना वक्त दें। इंडिया को, इजराइल को तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी करतूतें ऐसी है कि तुम खुद ही गर्त में चले जाते हो। रही बात तुम्हारे नौजवानों की, तो तुम्हारे नौजवानों की दशा तुमको भी हमसे ज्यादा अच्छे से पचोगे। आधे से ज्यादा नशे में पड़े रहते हैं, आधे से ज्यादा फोन फिल्म देख के पड़े रहते हैं। अब एक ईमेल की तरफ आते हैं, जमील जफर लाहौर से ईमेल करते हैं। उनका कहना है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बेशक पीछे हैं लेकिन अखलाकी अकदार में हम वेस्ट से बहुत आगे हैं। कि शलवार पहना है, स्कर्ट पहना है, समझ रहे हो, आपने ब्लाउज पहना है या कमीज पहनी है। तो हमारे यहाँ तो कोई ढंग की है, अल्लाह माफ करे, ये गला सड़ा हुआ मुआशरा है जिसके पल्ले नदामत भी नहीं रह गई। तो तुम्हारे नौजवानों पे तुम भरोसा मत करो। तो दोस्तों, ये आपने सुन लिया शेख रशीद शेख चिल्ली की एक सीट के मंत्री की गपशप ही है। और अगर आपको मजा आया वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक कमेंट शेख रशीद के लिए जरूर करके जाना, क्योंकि ये आपका एक रिप्लाई होगा शेख रशीद को और पाकिस्तान को भी। तो एक कमेंट जरूर से करना। और आपके भाई ने एक ब्लॉग चैनल बनाया, नया बनाया भैया, देख लो, हम ब्लॉगिंग भी करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक कर ले। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, भूगोल के साथ साथ इतिहास बदल देंगे, रोक देंगे सिंध का पानी, त्राहि-त्राहि मच जाएगा, लाहौर में गूंजेगा वंदे मातरम, कराची जय हिंद चिल्लाएगा, मोहलत मिली अगर 2 घंटे की पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, फिर एटम बम चलाने क्या बात तुम्हारा आएगा।